यूपी के शाहजहांपुर में राष्ट्रीय कवि उद्यान विभाग द्वारा आयोजित कृषि गोष्ठी में कृषि से संबंधित विभिन्न स्टॉलों को लगाकर किसानों को जागरूक किया गया। कृषि गोष्ठी में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया, साथ ही सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही सब्सिडी आदि के बारे में किसानों को जानकारी देने की भी दिशा निर्देश दिए। मौके पर उपस्थित जिला गन्ना अधिकारी ने किसान गोष्ठी में उपस्थित किसानों को गन्ना बुवाई के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई। आपको बता दें, जनपद में उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर में आयोजित किसान गोष्ठी में जनपद के किसानों सहित कृषि विभाग के विभिन्न स्टॉलों ने गोष्ठी में प्रतिभाग किया। गोष्ठी में जिला गन्ना अधिकारी खुशी राम भार्गव ने किसानों को बसंत कालीन गन्ना बुआई के बारे में जानकारी दी। किसानों को बताया गया कि वह गन्ना विभाग अथवा चीनी मिलों द्वारा स्थापित पौधशाला से बीज प्राप्त कर सकते हैं। बीज के लिए 8 से 10 माह की फसल का चुनाव करें एवं आंख के टुकड़े से बुआई करें और बुआई से पहले बीज को उपचारित अवश्य कर लें। ट्रेंच विधि से 4 फीट की दूरी पर गन्ना बोएं। बसंत कालीन गन्ने के साथ सह फसली के रूप में उड़द, मूंग, सूर्यमुखी, मूंगफली, कद्दू, वर्गीय सब्जियां आदि की बुआई करें। सह फसली खेती से आम आदमी को इजाफा होगा। इस दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आदि सभी लोग उपस्थित रहे। R9 भारत के लिए अरविंद त्रिपाठी की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा यातायात के नियमों का पालन कराने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु ट्रक बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तथा वाहन स्वामी, वाहन चालक, कंडक्टर्स आदि के साथ गोष्ठी का आयोजन कर जागरूक किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एस आनंद पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाकर जनमानस को सुरक्षित व सुगम यातायात हेतु सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों की जानकारी हेतु विभिन्न जन जागरूकता अभियानों के अंतर्गत संजय कुमार पुलिस अधीक्षक नगर, प्रवीण कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में, चंद्र प्रकाश शुक्ल प्रभारी निरीक्षक यातायात के नेतृत्व में टीम गठित कर गोष्ठी व कार्यक्रम आयोजित कर जनता को यातायात के नियमों की जानकारी प्राप्त कराने एवं यातायात के नियमों का पालन कराने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा माह 2021 के जागरूकता कार्यक्रम में मेजबान चौराहे पर शाहजहांपुर पुलिस द्वारा ट्रक बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, वाहन स्वामी, वाहन चालक, कंडक्टर के साथ जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के दौरान संजय कुमार पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा उपस्थित वाहन स्वामियों व अन्य व्यक्तियों को संबोधित करने हुए उन्होंने कहा कि वाहन चालक की जांच पड़ताल के बाद ही वाहन स्वामी अपना वाहन चलाने के साथ ही अपने वाहनों को मेंटेन रखें तथा कोहरे के सीजन में पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप अवश्य लगाएं ताकि कोहरे के कारण दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अपने वाहनों की फिटनेस, बीमा व अन्य वाहन संबंधी अभिलेखों को पूर्ण रखें। यातायात नियमों का पालन स्वयं भी करें तथा अपने वाहन चालकों से भी करवाएं। इसके अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक यातायात चंद्र प्रकाश शुक्ला द्वारा गोष्ठी में मौजूद व्यक्तियों से अपील की गई कि वह सभी यातायात के नियमों का पूर्णतः पालन करें जिससे दुर्घटना ना हो तथा यातायात नियमों का पालन कराने हेतु पैम्पलेट भी वितरित किए गए। इस अवसर पर ARTO मनोज कुमार वर्मा व ARTO प्रशासन SP सिंह, कर अधिकारी मोहम्मद आरिफ तथा यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के लोग मौजूद रहे। खास करके सर्दी के मौसम में जिसमें कोहरा वगैरह पड़ता है उस समय आप लोग उसमें रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप अवश्य लगाए रखें और जब भी अपना वाहन ड्राइवर को चलाने के लिए देते हैं तो बाकायदा उनको ब्रीफ करें, उनको समझा दें, उनके बारे में जानकारी कर लें कि ये ड्राइवर अच्छी तरीके से गाड़ी चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग तो नहीं करते हैं, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस पर्याप्त है या नहीं है, इनका जो चलाने का तरीका है वो सही है कि नहीं है, ये हमारे वाहन को सुरक्षित तरीके से चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, ये शराब का सेवन तो नहीं करते हैं, ये किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, तो इन सब बातों का ध्यान रख करके आप सबको अपना वाहन ड्राइवर को सुपुर्द करना चाहिए। बाकी सारी बातें अभी आपको संचालक महोदय और श्यामकुंज जी ने बताया, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी जो भी यातायात के नियम हैं उनका सबका पालन करें, क्योंकि आप हैवी वाहन चलाते हैं, जो यहाँ पे ड्राइवर्स बैठे हुए हैं वो बड़ा वाहन चलाते हैं और बड़े वाहन की जिम्मेदारी अक्सर ज्यादा मानी जाती है, तो आप सभी लोग छोटे वाहनों को हमेशा ध्यान में रखें, उनको भी चलने का अधिकार है और उनको बचाते हुए अपना वाहन चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें। बाकी अन्य जागरूकता कार्यक्रम जो भी हुए हैं उसमें हम सबने हेलमेट लगाने की, सीट बेल्ट लगाने की,
सभी से गुजारिश करी है, बारंबार अपील करी है, इस समय जो लोग उपस्थित हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अपना दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग। R9 भारत के लिए अरविंद त्रिपाठी की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।